एंशिएंट टाइम्स पर सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, बेंगलुरु शहर में SSLC के रिजल्ट जो है आ चुके हैं। अब SSLC रिजल्ट के बाद जो है बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हैं कि कौन सी कॉलेज में एडमिशन कराएं, कौन सी कॉलेज में जाकर पढ़े। और बहुत से लड़कियों का ये सोचा रहता है कि मुझे जो है बड़ी कॉलेज में पढ़ना है। अब देखना ये है कि बड़ी कॉलेज पढ़ना है क्योंकि बेंगलुरु एक ऐसी सिटी है जहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉलेज में क्या पढ़ाई भी बड़ी बड़ी है? हस्तित कॉलेज में लड़कियाँ किस तरह से पढ़ाई करती हैं, हस्तित कॉलेज में जो पेरेंट्स लाकर बच्चों को भरोसे से यहाँ पर जमा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से जो है फैसिलिटीज़ हैं, स्टाफ कैसा है, पढ़ाई कैसी है, यहाँ की लेबोरेटरी कैसी है, यहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं, इन तमाम डिटेल्स का जो है हम डिटेल आज जानेंगे। हम आपको ले चलते हैं हस्तित कॉलेज के अंदर, हम आपको दिखाएंगे किस तरह की जो कॉलेज है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ के स्टाफ से, फैकल्टीज से, और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, हम पहुंचे हैं हस्तित कॉलेज के लाइब्रेरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से लिखा है नॉलेज सेंटर, एग्जैक्टली यही है नॉलेज सेंटर। मतलब जो भी आपको नॉलेज चाहिए आपको यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि इस तरह से जो है ये लाइब्रेरी बनाई गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें किस तरह से जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस लाइब्रेरी को जो है बनाया गया है। यू नेम द बुक, यू विल फाइंड द बुक हियर। अब आइए हम आपको दिखाते हैं, देखिए किस तरह मेंटेन जो है यहाँ पर बनाया गया है, किस तरह से जो है इसको मेंटेन किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लाइब्रेरी जो है हर कॉलेज में मिल जाती है, लेकिन लाइब्रेरी को किस तरह से मेंटेन किया जाता है वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोग लाइब्रेरी में बैठते हैं, किताबें लेते हैं और पढ़ने के लिए जो है लाइब्रेरी आते हैं। और अगर लाइब्रेरी में पढ़ने की हालत नहीं है, लोग टाइम पास कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, चिटचैट कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी रहने का फ़ायदा ही नहीं है। और जिस लाइब्रेरी को हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लाइब्रेरी किस तरह से जो है बनाई गई है, किस तरह से यहाँ पर किताबें जो है रखी गई हैं। Thank you.
अब हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर लैब में। तो दोस्तों ये है हसनत कॉलेज ऑफ वुमेन की कंप्यूटर लैब, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है रखा गया है, फुल क्लीन एंड नीट विथ एयर कंडीशन जो है ये कंप्यूटर लैब है, जिसमें तकरीबन 50 से ज़्यादा जो है कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर क्लीननेस मेंटेन किया गया है। तो एट ए टाइम जो है तकरीबन 50 स्टूडेंट्स जो है ये लैब यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ उम्मीद की जो है एक स्पेशल जगह, जहाँ पर बहुत से कॉलेजेस में जो है ये देखने को नहीं मिलता है, और आज हम आपको दिखाएंगे ये जो है हसनत कॉलेज ऑफ वुमेन की जिम है। वुमेन कॉलेज है लेकिन जिम, मतलब यहाँ पर इस तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने हेल्थ का भी जो है मेंटेन रखे, अपने हेल्थ का हेल्थ पर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, ताकि बीमारियों से बच सके। अलग अलग तरह की जो है लेडीज़ को जो है पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हेल्थ को जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर जो है लोगों के लिए जिम भी है। स्टूडेंट अपने कॉलेज से पहले या कॉलेज के बाद, अपने कॉलेज खत्म होने के बाद जो है यहाँ पर आकर जिम कर सकते हैं, अपने बॉडी को जो है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो है एक मैडम हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जिनका नाम आयशा फिरदौस है। मैडम बताइए कि सबसे पहला मेरा सवाल जी, आप और मैं दोनों जो है बैंगलोर शहर में हैं, और बैंगलोर एक ऐसा शहर है जो कर्नाटका की जान है जी, और बैंगलोर के अंदर जो है बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं जी। व्हेन यू से बड़ी कॉलेज, आप पता है कौन से कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो बहुत से बच्चे जो है बड़ी कॉलेज प्रेफर करेंगे, हसनत कॉलेज क्यों प्रेफर करें मैम? हसनत कॉलेज मैं बोलूँगी इसके लिए हमारे बच्चे प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी है, गर्ल्स के लिए वुमेन के लिए सेफ्टी है, हमारे पास माशाल्लाह मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लड़कियां अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए इंस्टॉलमेंट स्कीम्स हैं, उनके लिए भी स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं हमारे मैनेजमेंट की तरफ से उन बच्चियों के लिए। हमारा मेन मोटो है कि उनको एजुकेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड एजुकेट हो, वो हमारा मोटो है। हसनत कॉलेज का हमेशा से यही मोटो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड एजुकेट हो जाएं घर के ना। इसके अलावा वी हैव जिम, वेल इक्विप्ड जिम्स, वी हैव द बेस्ट ऑफ लाइब्रेरी, वी हैव बेस्ट ऑफ फैकल्टी विद अस, एंड इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, जैसा कि नीट UPSC एग्ज़ाम्स के लिए, CET एग्ज़ाम्स के लिए हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे इसमें से पास होके आज डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जी, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो व्यूअर्स पूछना चाह रहे हैं कि कॉलेजेस बहुत है, हसनत भी एक ऐसी कॉलेज है जो अच्छी कॉलेज है, लेकिन जब बात फीस की आती है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है फीस का है, तो आपका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, और आपने बताया कि आपके पास इंस्टॉलमेंट्स भी है जी, तो ये किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट होता है जी? मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पास जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मिनिमल है। अगर आप दूसरे कंपेयर करेंगे दूसरे कॉलेजेस से, तो बहुत ज़्यादा मिनिमल रखा है हमने। जैसा कि आप बहुत सिंपल सी बात कहते हो कि आप BCA का ले लीजिए, BCA का कहीं भी BCA डिपार्टमेंट 1 लाख से नीचे कोई भी कॉलेजेस में नहीं है, वेयर एज हमारे कॉलेज में BCA का एडमिशन फीस ओनली 40,000 पर ईयर।
विच इज़ वेरी वेरी मिनिमल एंड वी हैव द बेस्ट ऑफ कंप्यूटर्स विद अस, द बेस्ट ऑफ कंप्यूटर लैब विद अस, जहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, द बेस्ट ऑफ फैकल्टीज वी हैव। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस एजुकेशन पे दे रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे देना चाह रहे हैं, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जैसा पूछा कि इंस्टॉलमेंट स्कीम्स, तो जैसा कि जो पेरेंट्स नहीं भर सकते हैं तो वो अब मिनिमल फीस दे के वो एडमिशन करके हम उनको वक्त दिया जाएगा उनको फीस पे करने के लिए। कितना टाइम दे सकते हैं? जैसा कि जैसा 3 महीने की मुद्दत में या 6 महीने की मुद्दत में उनको फीस पे करने का टाइम दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये ट्रांसपोर्ट जो है ये पिक एंड ड्रॉप कितना सर्कुलेशन में है? वी हैव हमारे मेन एरियाज है से शुरू हो गई एटी के फैक्ट्री, हेगड़े नगर, फिर कारगुनहली, टैनरी रोड, बेंसन टाउन एंड देन केजी हल्ली, सॉरी आरटी नगर, वहाँ से कवर होता है गोविंदपुर, ऑल दैट एरिया कवर्स अप। फिर हमारा उस तरफ 3-4 बसेस फैसिलिटी हमारी, और इस तरफ जो नील संद्रा में है वो भी एक एरिया है जहाँ से कोरमंगला के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से आ सकते हैं, नील संद्रा और कोरमंगला की तरफ से। मैम, स्टडीज़ के अलावा बच्चों के लिए कोई और एक्टिविटीज़ है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि हम इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर हम बच्चों को ले जाते हैं, और माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते भी है उसमें। आपने काफ़ी सारे न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत रैंक होल्डर्स भी हैं हमारे बच्चे वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर गर्ल्स टू यू नो चूज दिस कॉलेज। मैडम, जब बात कॉलेज की आ जाती है, स्पेशली जब गर्ल्स की कॉलेज, तो बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि फैसिलिटीज़ कैसी हो, सिक्योरिटी खासकर कैसी है कि मेरी बेटी अगर इस कॉलेज में जाएगी तो कहाँ तक जो है ये लड़की सेफ है जी, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी इस बारे में आपने हमारे यहाँ जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो मैं सारे बच्चों को भी कह दूं और पेरेंट्स को भी कह दूं कि हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं उसमें अगर कोई बच्ची को कहीं बाहर जाना है तो पहले तो परमिशन उनके टीचर से लेनी होगी, उसके बाद में प्रिंसिपल से, उसके बाद में हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं पेरेंट्स से, और उसके बाद में अगर हमें लगता है कि ये जेन्यून है तभी हम बच्चों को बाहर भेजते हैं। अगर बच्चे अगर चाहते हैं कि वो बंक करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, सुबह में वो आ जाएं, फिर गेट शाम को जब कॉलेज छुट्टी है तभी गेट खुलेगा। तो दोस्तों अब हमारे साथ है इफ़त मैम जो हसनैत कॉलेज की जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी है। हमारा इनसे पहला सवाल ये रहेगा कि मैडम हसनैत कॉलेज ये दूसरी कॉलेज से अलग क्या है मैडम इसमें? सी हसनैत कॉलेज स्टार्ट हुई थी अबाउट 52 ईयर्स बैक, जब एक ही कॉलेज थे बैंगलोर में गर्ल्स, प्योरली गर्ल्स के लिए। सो ये कॉलेज जो शुरू करे थे ये इंटेंस से शुरू हुई थी कि हमें फुल इंकरेजमेंट गर्ल्स को देंगे, इंकरेज वुमेन एजुकेशन एंड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सी एनी चाइल्ड हु इज कमिंग हियर फॉर फर्स्ट पीयूसी वी सी दैट व्हेन शी गोज आउट आफ्टर ए डिग्री शी इज़ ए फुल कंप्लीट पर्सनैलिटी, शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड शी कैन सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंट। Madam, your colleague was saying that you also have job placements. Yes. So when we talk about placements, what placements are you talking about? See, we have started a placement cell. After COVID hit, it was very bad state. Now the placement cell is there where few companies are coming now so that the students can get good opportunities in those companies. We are tied up with IBM, so the IBM people are providing an opportunity here. They actually help the students to face interviews, and most of the students are appearing for the interviews now in IBM. Now, madam, when we talk about academics, what are the courses that you are offering for PUC and degree students? In PUC, we have arts, commerce, science, and more crowd is there for computers. And we provide NEET coaching, CET coaching and UPSC classes so that the students can compete in the outside world. Madam, 50 years is not a small amount. Yes. So, 50 साल में कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक ऐसा स्टूडेंट बनाया, पैदा किया होगा जो आज जो है काबिले तारीफ़ है, जिसे पूरा शहर जानता हो, जैसे कि पायलट हो या सर्जन हो, स्पेशलिस्ट सर्जन है, ऐसा कोई है आपके कॉलेज से?
we have produced many doctors, engineers, and some of the students are based in US because they got a job in Infosys. That's my own student. They are working in Infosys and they are all placed in US. And one girl we met, she's in New Zealand. She's heading one of the very big companies there. And these are the students who are coming from a very poor background, but they got all the opportunities here and they are placed well. And now they are thinking of helping the other students who are not able to afford that higher education. Ma'am, what is the highest marks that your students have got in this college? Most of the students, they have scored 100 out of 100 this year. Computers 100 out of 100, then business studies 100, and we have got about 20 distinction holders this year. Madam, now since you are a joint secretary, let's assume I have 10 students with me. And all the 10 students are good, capable of understanding, grabbing things. They are very good in studies. Yes. However, they don't have that financial capacity. Yes. Now, do you have anything for them? You can help them to get their studies completed. See, when the students, when they come here, if they have got distinction, we are providing a special merit scholarship for them. When compared to the other colleges, our fees is very, very low. Plus, we are providing the merit scholarship for them. And we are giving the installment scheme also for them. And with that, we give the encouragement so that the confidence develops in them, like we give personality development classes, spoken English classes, so that because with only marks will not matter. What matters is how confidently they'll walk out after completing their degree. Ma'am, what message would you like to give to our people watching you? Basically, it's every child's right to get educated. And being girls, you have to get educated and you should be an independent woman if you want to survive in this society with real dignity and respect.